हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, कोई भी मटेरियल वहाँ बन रहा होता है, तो हम वहाँ कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। तो सबसे पहले जो भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, उसमें सेफ्टी फर्स्ट, मतलब सेफ्टी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सेफ्टी कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम फायर प्रिवेंशन क्या क्या रख सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब हमें उस जगह का, उस मैन्युफैक्चरिंग का अवेयरनेस हो कि किस मटेरियल से ये सारी चीज़ें बन रही हैं, किस मटेरियल जो है जिसमें ज़्यादा हैज़ार्ड है, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब के बारे में अगर अवेयरनेस होगी तो हम इजीली वहाँ पर सेफ्टी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। तो अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान बन रहा है, कोई भी सामान बन रहा है वहाँ पे, तो आप उसमें आप ऐसा क्या करें कि आप सेफ्टी मेंटेन कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करनी होंगी। इंस्पेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, वहाँ के ऑडिट रिजल्ट्स क्या आए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्शन करते वक्त आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है कि जो भी आपके फायर प्रिवेंशन इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं या नहीं। देन उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि सेफ्टी के लिए जो भी आपने सेफ्टी के लिए जो भी SOP बनाई हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। साथ में SOP जो हैं उनको आप चेक करते रहें। इंस्पेक्शन करते वक्त जो जो प्रॉब्लम्स निकली हैं वो सारी एक बार रीचेक होती रहें। तो ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ करने से, रेगुलरली करने से आप अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी रख पाएंगे। तो देखिए, 3 वेज़ हैं जो आप बूस्ट कर सकते हैं जिससे अपनी सेफ्टी मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको डिस्कशन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन करना है, एक ऑर्गेनाइज करना है डिटेल्ड डिस्कशन जिसमें आप सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाएं और उनको सेफ्टी के रिगार्डिंग अवेयरनेस दें कि इस वर्क को करेंगे तो आपको इस तरीके से करना है, ये SOP मेंटेन करनी है, ये सारे काम करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपना मशीन्स का जो भी है रेगुलर इंस्पेक्शन करना, कहीं वो मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। ठीक है, वो मशीन तो ख़राब नहीं है जिससे आप काम करने जाने वाले हैं और उससे पीपल्स को हार्म हो जाए, पीपल जो भी हैं आपकी कंपनी में, इंडस्ट्री में पीपल को हार्म हो जाए। ठीक है, वर्कर्स जो भी हैं, पर्सनल्स जो भी हैं, उनको हार्म हो जाए, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। साथ ही आपको क्या करना है, ट्रेनिंग सेशंस रखने हैं। ट्रेनिंग सेशंस में आप उन्हें ट्रेन करेंगे कि अगर ये चीज़ होती है तो आपको क्या करना है पहले। ठीक है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है उसको काम करने का, तो वो सारी चीज़ें उन्हें बताई जाए, उन्हें ट्रेंड किया जाए कि आपको ये वर्क कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, काम जो है वो तरीके से किया जाएगा, और जो काम अगर तरीके से किया जाएगा तो क्या होगा, सेफ्टी जो है मेंटेन हो पाएगी। अब साथ ही क्या करना है, आपके जो इंडस्ट्री में एवैक्यूएशन रूट है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको कैसे इवैक्यूएट करना है। ठीक है, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना है आपको इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड से बचना है। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, जो भी इवैक्यूएशन वे है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फायर अलार्म जो भी हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हों, एक्सटिंग्यूशर जो भी लगे हैं वो वर्किंग कंडीशन में हों और उन्हें ढूंढना ना पड़े, ऐसी जगह पे लगे हों। ठीक है, कोई भी सामान अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसीजर है वही फॉलो करें, ऐसा ना हो कैसे भी उसे उठाने लग जाए। ठीक है, असेंबली पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मैं बता ही चुकी हूँ, फर्स्ट एड आपके यहाँ अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी अगर हैज़ार्ड होता है तो उसका एक इमरजेंसी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेफ्टी हैज़ार्ड रहता है सभी के लिए, सेफ्टी हैज़ार्ड्स एंड आर एवरीवेयर। ठीक है, इस तरीके के हैज़ार्ड सब जगह होते हैं, तो हम कैसे उनको मेंटेन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो कहीं हद तक हम उसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अब साथ ही ये कुछ साइंस हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बहुत देखने को मिलते हैं, तो इन पे भी आप ध्यान रखिए किस तरीके के साइन रहते हैं। तो ये रहता है प्रोबिहेशन साइन। ठीक है, प्रोबिहेशन साइन में क्या होता है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सेफ कंडीशन साइन ग्रीन रहता है, फायर साइन रेड रहता है। ठीक है, मैंडेटरी जो चीज़ें रहती हैं, ज़रूरी रहती हैं, जैसे किसी इंडस्ट्री में जाना है आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है, वर्क परमिट होना कंपलसरी है, तो वो मैंडेटरी हो गया। ठीक है, हैज़ार्ड साइन इस तरीके का साइन आपको खतरा बताता है कि इस तरीके के खतरे यहाँ हो सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन साइन। ठीक है, जैसे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने के यहाँ जेंट्स
वॉशरूम जो है वो लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं या जेंट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके के साइन, ये सारे साइंस जो रहते हैं इनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इम्प्लॉय हो तो वो कन्फ्यूज़ ना हो कि ये साइन मुझे बता क्या रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आप ट्रेनिंग में बता सकते हैं, अपनी जो ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे उनमें आप इन्हें इनकी अवेयरनेस दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही जो भी विज़िटर आया है साइट पर उसकी रिपोर्ट जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हेलमेट हमेशा लगाना चाहिए। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसी वर्क प्लेस पर ना आए याद रखना चाहिए। ठीक है, आउटसाइडर्स एंट्री जो है अनऑथराइज रहती है, जो ऑथराइज एंट्री है वही अंदर आएंगी। ठीक है, विजिबिलिटी जैकेट आपको पहननी कंपलसरी है, प्रोटेक्टिव फुटवेयर्स पहनना ज़रूरी है। वार्निंग, ये डीप एक्सकवेशंस की वार्निंग जो रहती है वो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कहीं भी गड्ढा ज़्यादा गहरा खुदरा हो वहाँ आपको नहीं जाना है। ठीक है, मशीन ऑपरेटिंग जहाँ चल रही हैं, जहाँ बड़ी मशीन्स वर्क कर रही हैं, वहाँ का हर एक किसी को एंट्री नहीं देनी चाहिए, और कोशिश करें चिल्ड्रंस को जितना भी हो सके उस साइड से दूर रखें। ठीक है, इस तरीके की सेफ्टी आप मेंटेन करके रख सकते हैं, साइट सेफ्टी। वैसे तो ये सारे जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं साइट सेफ्टी के लिए हैं, पर हाँ, जहाँ भी आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई काम चल रहा है इनकेस, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स वहाँ के लिए भी इंडिकेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना है, हेलमेट आपको लगाना है। ठीक है, कोई भी बाहर का इंसान अगर आ रहा है तो पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री में कौन एंटर किया है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी हैं, तो इसलिए मैंने साइट सेफ्टी की इन्फॉर्मेशन इसमें थोड़ी सी रखती है। तो इस तरीके से अगर आप सारे पॉइंट्स चेकआउट कर लेते हैं, जो जो आपने रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, SOP फॉलो हो रही है, इस तरीके से चेक करके आप अगर पूरे नोट डॉक्यूमेंटेशन करके रखते हैं पूरी चीज़ें चेकआउट करने के बाद, तो क्या होता है आप कई हद तक अपने यहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं और सेफ्टी प्रिवेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें जो होती हैं आप सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो आप कैसे सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। सो थैंक यू।